तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टाटा मोटर्स के अंदर हम यहाँ पर करेंगे वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मोटर लेवल्स है जो मैं टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स यहाँ पर क्या होने चाहिए। सो देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए राइट नाउ टाटा मोटर्स कंपनी की, तो इस काउंटर के अंदर भी कहीं ना कहीं राइट नाउ हमें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी साइडवेजनेस ही चलती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक काउंटर के अंदर हमें कोई मेजर अपमूव देखने को नहीं मिला। यस, बट एक चीज़ अच्छी है कि इवन तो हमें थ्रू आउट दिस वीक मार्केट के अंदर मेजर यहाँ पर जो है वो करेक्शंस, मेजर प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिली है, देन टू टाटा मोटर्स ने यहाँ पर 960 रुपीज़ के लेवल्स को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। पहले तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स कम आए, उसके बाद यहाँ पर और क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर UBS ने टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को डाउनग्रेड किया, उसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को यहाँ पर रिड्यूस किया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आया। बट कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो 960 को सस्टेन कर पा रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक में मान लो अगेन सेलिंग आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली टाटा मोटर्स 960 को ब्रेक करके नीचे निकलने का पोटेंशियल रखता है।